नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी के लोगों को अब मेट्रो से भी तेज दौड़ने वाली ट्रेन की सौगात मिलने वाली है, जिसे रैपिड रेल का नाम दिया गया है। मेरठ गाजियाबाद दिल्ली रैपिड रेल परियोजना पश्चिमी यूपी के विकास के लिए काफी अहम साबित होगी। क्या खासियत होगी इस ट्रेन की, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली गाजियाबाद से मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल के वर्क प्रोग्रेस का वीडियो जारी किया है। दिल्ली मेट्रो रैपिड का काम तेजी से हो रहा है। 256 सेकंड के इस वीडियो में एनसीआरटीसी ने सभी 24 स्टेशनों पर चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क को दिखाया है। इसमें दिल्ली से मेरठ बेगमपुर तक बन रहे स्टेशन, भैंसाली बस अड्डे पर बनने वाले अंडरग्राउंड स्टेशन का काम दिखाया गया है। पिलर वर्क, हिंडन के ऊपर बने पुल से लेकर गार्डन रखने का काम जहां हो रहा है, सभी वीडियो में दिखाया गया है। एनिमेटेड वीडियो को एनसीआरटीसी ने अपनी वेबसाइट पर लॉन्च किया है। एनसीआरटीसी द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में हर कंस्ट्रक्शन साइट का लाइव सीन दिखाया गया है। रैपिड जिन रास्तों को होकर गुजरेगी, नदी के ऊपर, जंगल के बीच, खेतों के आसपास, जहां से भी रैपिड गुजरेगी वहां का पूरा नजारा इस वीडियो में है। अंडरग्राउंड स्टेशन से लेकर ओपन एरिया का हर दृश्य वीडियो में कवर किया गया है। आम आदमी इस वीडियो को देखकर दिल्ली से मेरठ के बीच अपनी रैपिड की यात्रा का सुखद एहसास वर्चुअली कर सकता है। आने वाले समय में उसका रैपिड का सफर आखिर कैसा होगा, हर नजारे को इस वीडियो में देखकर महसूस किया जा सकता है। स्टेशनों के बीच की दूरी के साथ उनकी लोकेशन और नाम का डिस्प्ले है। दिल्ली से गाजियाबाद से चलकर मेरठ तक चलने वाली रैपिड रेल प्रोजेक्ट में आरआरटीसी कॉरिडोर पर होंगे 24 स्टेशन। मेरठ में आरआरटीसी नेटवर्क पर स्थानीय परिवहन सेवाएं भी मिलेंगी। इसके लिए 21 किलोमीटर की दूरी 13 स्टेशन बनेंगे। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीसी कॉरिडोर पर 2 डिपो स्टेशन सहित 24 स्टेशन होंगे। रैपिड के चलने के बाद दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी और घट जाएगी। दैनिक यात्राएं, छात्रा, नौकरी पेशा लोगों को दिल्ली जाने में कम वक्त लगेगा और जाम से भी मुक्ति मिलेगी। मेरठ व आसपास के जिलों के युवाओं के लिए करियर के नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही मेरठ के उद्योगों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। आरआरटीसी स्टेशनों को हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, दिल्ली मेट्रो स्टेशन जैसे परिवहन के विभिन्न साधनों के साथ जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में सुविधा मिलेगी। फेज वन के सभी 3 कॉरिडोर सरायकाले खां में मिलेंगे और इंटरऑपरेबल होंगे, जिससे यात्रियों को बिना ट्रेन बदले एक से दूसरे कॉरिडोर तक यात्रा करने में मदद मिलेगी। रैपिड रेल प्रोजेक्ट के काम को कर्मचारी तेजी से कर रहे हैं। इस दौरान कोरोना के नियमों का भी खास ध्यान रखा गया है। जल्द ही यूपी के लोगों को इस रेल की सौगात मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।